चलो गुड मॉर्निंग गाइस, अब हानले से हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये देखो इसका मैकेनिज्म और ये टेलीस्कोप वर्ल्ड के आई गेस टॉप 10 के अंदर आता है। तो समझ नहीं पा रहे लोग क्या देख रहे हैं, बट यार राहुल है वहाँ पे, कोई दो लोग ना पीछा कर रहे हैं पता नहीं क्यों। हम लोग अब जा रहे हैं बोर के लिए यहाँ से। भाई सुबह हो चुकी है, शक्लों के 2:45 बज चुके हैं हमारी, रात भर हम सोए नहीं है और सुबह अब अपना रम पी रहे हैं क्योंकि पीनी बनती है गर्म पानी में पी रहे हैं वैसे तो हम ये, और टाइम हो रहा होगा अभी सुबह के 9:41। चलो भाई चेयर्स। चलो गुड मॉर्निंग गाइस, अब हानले से हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, टाइम हो गया होगा यहाँ पे अभी 12 बजने वाले होंगे। हम लोग उठ गए थे, क्या बज गया, 11:30 हो चुके हैं और ये हमारा स्टे है यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज बन रही है अभी, तो यहाँ से अब ब्रेकफास्ट करते हैं अपना। और पहले कहाँ जा रहे हैं भाई हम लोग? पहले हम लोग जा रहे हैं पैलेस, आई गेस पैलेस जा रहे हैं हम लोग, फिर उस पर मॉनेस्ट्री जाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेटरी जाके चिल करेंगे और वहाँ पे वाइब दिखाएंगे आपको कि क्या आने वाली है। तो चलते हैं आगे, तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, फिर मिलते हैं। ऑब्जर्वेटरी कौन सी है बताओ? ये तुम मैटर ऑब्जर्वेटरी। देखो यहाँ पे 11 बिल्ला है, देखो कैसे सो रहा है, प्यार से इसको सोने देते हैं। मैगी मिल पा रही है खाने के लिए, बट ठीक है यहाँ पे खाना, भाई खाना यहाँ पे अच्छा है, बट मैंने एक चीज नोटिस करी है, कुछ भी अगर आप यहाँ पे खाते हो ना हानले के अंदर, तो बाकी अभी यहाँ से यार ब्रेकफास्ट करते हैं मैगी, और हमने ऑमलेट मंगवाया क्योंकि और कुछ तो यहाँ पे भी बन नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे लाइट शाम को आती है 5 बजे से रात को 11 बजे तक, और पूरे दिन यहाँ पे फिर लाइट नहीं होती है। तो हमने अपना सब कुछ पावर बैंक और ये सब चार्ज कर लिया था, फोन वोन कैमरा, बट हाँ अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हो कि आपने ऐसे एरिया पे आना है तो बिल्कुल रिमोट एरिया है, तो आपको अगर आना है तो पावर बैंक अपने साथ ये सब चीजें अपनी कैरी करके आए, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके, ऑक्सीजन के जो कैंस है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाली, और मैंने तो ली है भाई ये तो। हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ आपको फील होगा, सांस बहुत तेज चलेगी, और नेजल स्प्रे एयरपोर्ट से ले खासकर, ये सारी चीजें अपने साथ लेके आए अगर आप आ रहे हैं लेके आगे, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है तो ये सब आपको लगेगा। पानी पर भी है, पानी यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि हाँ कि पानी बहुत ज्यादा पियो, वही दारू पिए। हाँ दारू भी हमने पिया, सुबह उठते हमने एक, हाँ सुबह उठते हमने एक पैग मारा है रम का गर्म पानी के साथ कि सब बढ़िया एकदम से क्लीन हो जाता है। चलो गाइस अब चलते हैं, ऐसे हमारा ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया है। चले चिम्बा भाई, चलिए सर किधर चले हैं? पहले ये बताओ आप, पहले ऑब्जर्वेटरी चलते, पहले ऑब्जर्वेटरी चले। और भाई हमें जो वो गाइस देखे थे ना बाइक वाले जो हमारे होम स्टे में रुके हुए, उन लोगों ने बताया कि ऑब्जर्वेटरी अभी थोड़े दिन पहले बंद हो गई है क्योंकि कुछ काम वाम या पता नहीं क्या हो रहा है, अभी ऊपर जाके देखते हैं, बट आप ऊपर से कह रहे हैं कि व्यू आपको बहुत अच्छा दिखेगा, तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। और ये रास्ता है हमारे जो होम स्टे उसके पीछे से ये रोड जा रही है ऊपर ऐसे। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऑब्जर्वेटरी, बट हमें ना एक चीज मना कर दी लोकल्स ने वहाँ पे कि आप अपना जब टैक्सी नंबर है ना आप ऊपर लेके नहीं जा सकते, आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, हम अगर ऊपर देखने जा रहे तो हम ऊपर तक जा सकते हैं ना, अगर आप लोकल है तो आपकी गाड़ी जाएगी। चलो लेट इट बी, अब आगे चलते हैं थोड़ा पैदल और देखते हैं कि आगे का क्या व्यू है, बट यहाँ से जो व्यू है भाई गाँव का ये देखो क्रेजी है, क्रेजी व्यू। तेज विंड चल रही है तो विंड नॉइज आपको आ रही होगी, पता नहीं मेरी आवाज क्लियर भी आ रही होगी या नहीं, बट हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए गाइस, जैसे कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने आ गई है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हानले, आइए हमारे पीछे जो आपको व्यू देखने वाला है वो देखो। तो चलिए गाइस जब तक ये फोटो शूट चल रहा है मैं आपको हानले के ऑब्जर्वेटरी के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। जो हानले ऑब्जर्वेटरी की रिसर्च स्टार्ट हुई थी कि ये जगह ही क्यों देखी जाए, तो ये जगह उन लोगों ने खोजनी स्टार्ट करी थी 1992 के अंदर। द ऑब्जर्वेटरी वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन 29th of August 2001। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ आ रही होगी मेरे को पता है, बट यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे। अभी देखते हैं अंदर चलते हैं, कोई कह रहा है कि अंदर ओपन है, चलो यार ऑब्जर्वेटरी के अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ का। चलो भाई हमारे गाइस सारे आ रहे हैं और अंदर देखते हैं चल के कि कैसा फील आता है यहाँ पे। हम आ गए हैं ऑब्जर्वेटरी के अंदर, भाई क्या क्रेजी, मतलब
ये जो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं आज तक नहीं देखा मैंने कभी। गाइस अब मैं जैसे ही ऑब्जर्वेटरी के अंदर आगे चल रहा हूँ मेरी कोई ऐसी फीलिंग हो चुकी है क्योंकि मैंने आज तक कभी टेलीस्कोप तक नहीं देखा और मैं सीधा ऑब्जर्वेटरी के अंदर जाके इतना बड़ा टेलीस्कोप देखने वाला हूँ आगे। इतनी बड़ी टेलीस्कोप मैंने आने से पहले गूगल किया था, मैं इसको इमेजिन कर रहा था और मैंने जब जैसे ही अब मैं देख रहा हूँ ये देखो इसका मैकेनिज्म। गाइस ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, आपको एक बार तो जरूर आना चाहिए यहाँ पे। और ये टेलीस्कोप वर्ल्ड के आगे टॉप 10 के अंदर आता है। तो गाइस जैसे कि अब आप लोग राइट के अंदर देख रहे हो ये जितनी भी होल्स दिख रहे हैं नीचे, जैसे कि आप देख रहे हो ट्रांसपेरेंट है, मूवीज के अंदर कितना देखा है ना, और मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि जो ये चीज़ टेबल पे रखी है मुझे ये चीज़ के बारे में पता लग जाए। अगर आप में से किसी को भी पता हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चीज़ें किस चीज़ में यूज़ होती हैं। और जैसे ही इस टेलीस्कोप को कुछ कैप्चर करना होता है तो ये ऊपर की जो शील्ड है ये खुल जाती है दोनों तरफ से। एक बात तो कहना चाहूँगा, ये देख के मुझे फील आ गई ना, वो आज तक कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ मुझे। भाई कैसी फील है मन? क्रेजी ब्रो। कैसा लग रहा है? मजा आ गया जी। क्रेजी भाई क्रेजी। तो चलो गाइस अब यहाँ से अपना निकलते हैं और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो यही है हमारी टेलीस्कोप। तो चलते हैं हम यहाँ से, बाकी लोग नीचे चले गए हैं, हम नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या मिल सकता है। क्या चल रहा है गाइस ये? अच्छा देख सकते हैं फिर। अगर आप लोगों को ये पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और हाँ गाइस अगर आपको इन चीज़ों के अंदर स्टार मून मिल्की वे गैलेक्सी इन चीज़ों के अंदर अगर इंटरेस्ट है तो ये फोटो सारी आप ज़रूर देखें क्योंकि ये सारी इसी टेलीस्कोप से कैप्चर करी गई हैं। तो अगर आप लोगों को इन चीज़ों का इंटरेस्ट है तो हानले एक बार आके ज़रूर देखें क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा आपको सामने से। और चलिए अब अपना यहाँ पे हम मेंशन करते हैं अब अपना नाम कि हम कौन कौन लोगों ने हमने यहाँ पे विजिट किया है। नोट करिए दिमाग है बंदों में कि यहाँ से किसी की हाइट हो तो किसी के लगे ना, तो ये फॉर्म लगा रखिए। चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि बहुत तेज गाड़ी में चल लो, बहुत तेज हवा चल रही है। अब गाड़ी में चलते हैं सीधा। गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अपना टेलीस्कोप हमने देखा, बहुत अच्छा फील आया यहाँ से। अब अपना निकल के अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ और हम सोच रहे हैं अभी मौसम यहाँ पे ना ख़राब हो गया, अभी एक टाइम स्लैप बनाया है, पता नहीं मेरे को कैसा बनाया बट मैं डाल दूंगा, आप लोग देखना कि कैसा लगा। बट हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे अपना। भाई किधर जा रहे हैं हम लोग अभी? वैसे दो जगह हमने सोची है, पैलेस और मोनेस्ट्री। तो एक ही जगह पे है वो, तो वो एक ही जगह पे, तो पहले पैलेस देखते हैं फिर मोनेस्ट्री देखते हैं और मैं दिखाता हूँ कैसे। बाकी ये रास्ता हमारे साथ अभी चलता रह रहा है। हम देखो ऑब्जर्वेटरी, तो वो देखो वो ऑब्जर्वेटरी दिख रही है ऊपर पहाड़ पे, हम वहाँ से आ रहे हैं और हमें जाना है सामने पैलेस। अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे मिल्की वे कैफे है तो वहाँ भी चले जाएं। अब वो आ गया हमारा मिल्की वे कैफे, अब यहाँ चलते हैं कुछ फूड वूड देखते हैं और इसकी वाइफ देखते हैं कि कैसी है। वाईफाई चेक करते हैं मेनली, तो हम इसलिए हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने जाते हुए देखा था वाईफाई फ्री वाईफाई। और ये आर्मी वालों का यार, इन लोगों ने बताया ना भाई होगा यहाँ वाईफाई मुझे लग रहा है, सारे सारे आर्मी वाले हैं अंदर। गाइस यहाँ से हमने आर्मी की कैफे से हमने अपना लंच तो कर लिया है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स भी हैं, यहाँ पे आप सेल्फी भी ले सकते हो। और आगे इनके टेंट लगे हुए हैं, अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, आर्मी वालों ने मना कर दिया था कि अंदर आप लोग शूट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये रहते नहीं है, रहते तो क्या होंगे इसमें, वो आर्मी भाई। जय हिंद। झूला झूलते भाई, ओ फक भाई झूला झूल के दिखा दे बढ़िया तरीके से एक बार। भाई हम लोग अब जा रहे हैं वॉर के लिए, यहाँ से जो हमारे देश के लिए कुछ करेगा हम देखते हैं। एक सोल्जर की सास नहीं आ रही कल से और दूसरा सोल्जर। चलो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं अपना, हमने यहाँ पे फोटो खिंचवाई, खाना खाया, अब यहाँ से निकलते हैं। हमने एक ना व्यू पॉइंट देखा है उस तरफ जहाँ पे आपको लेक रहे हो ना, लेक जा रही है पानी का सारा, तो उस तरफ सोच रहे हैं पानी के पास जाके कहीं बैठे और फील आए वहाँ पे, तो वहाँ चलते हैं। अब मैं बैठ रहा हूँ पीछे क्योंकि सैद बैठ रहा है आगे। जैसा कि मैं बता रहा था ना कि एक जगह देखी हमने जहाँ पे हम पानी के पास बिल्कुल बैठ सकते हैं,
तो वहाँ से हम आए हैं यहाँ तक आके, हमारी नोवा आ गई है, कोई सीन नहीं है, तो अब यहाँ पे बैठेंगे हम। ये देखो अभी आप, चलो गाइस अब यहाँ से भी निकलते हैं थोड़ी ऑफ रोडिंग करते हुए। यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग अपना होटल के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाके हम लोग अपना होम स्टे पे फ्रेश हो जाएंगे, फिर वहाँ से हम निकलते हैं अपना आगे मोनेस्ट्री। भाई क्रेजी ऑफ रोडिंग भी तो करवा रहे हैं हम भाई, मोनेस्ट्री जा रहे हैं और बिल्कुल ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई। अभी देखो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को बाहर से भी। आपको और ले आए तो इनको फोन कर देना भाई। यहाँ से हम ज्यादा ऑफ रोडिंग करेंगे मतलब। नहीं हो पाएगी भाई, यहाँ से नहीं हो पाएगी। हम ज्यादा थोड़ा ना अंदर फील में आ गए कि ऑफ रोडिंग ही कर लेते, लेकिन वहां से तो गाइस ऐसा लैंडस्केप ये जैसे इसके अंदर आपने देखा है, छोटा छोटा गोल गोल से उठे हुए हैं। आपने भी ये रील इंस्टाग्राम पे देखी होगी लद्दाख की। भाई आगे कह रहे हैं मोनेस्ट्री का ना रोड बंद है, यहाँ पे हमें बहुत सारे फोटोग्राफर दिखे हैं। आगे कह रहे हैं आगे की तरफ ना इन लोगों ने आउल देखा, बट हमारा कैमरा कुछ नहीं है इनके कैमराज के सामने, जो इनके पास कैमराज है आप लोग देखिए, बट हम देख नहीं पा रहे यार, कुछ तो आउल है वहाँ पे। लेट्स सी अगर हम देख पाते हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं लोग क्या देख रहे हैं, बट यार आउल है वहाँ पे कोई। We don't know about it. गाइज हमने ना अभी एक चीज़ पढ़ी थी वहाँ पे आगे, हम दो लोगों का ना पीछा कर रहे हैं पता नहीं क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे कैमराज हैं और वो लोग ना शूट कर रहे थे कुछ और फोटो खींच रहे थे। उन लोगों ने हमें दिखाया भी हमारे कैमरे में, अमन के फ़ोन के अंदर उन्होंने जूम करके दिखाया भी, वहाँ पे एक आउल है। तो इस जगह पे जा रहे हैं हम, यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है और पूरा ऑफ रोडिंग है, तो ढूंढ रहे हैं हम कि वो लोग कहाँ है, या तो हमें कुछ दिख जाए कि ये पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया है, मतलब समझ भी नहीं पा रहे हम कहाँ जा रहे हैं। और वो रही वो वहाँ से आ रहे हैं, तो देखो अब कहाँ जाते हैं ये रास्ता। चलो गाइस वाइल्ड लाइफ तो हमें क्या ही दिखी, बट हम लोगों को अपनी लाइफ दिखी, वापसी आ गए हम लोग यार, अब अपना होम से के अंदर आ गए, तो चलो होम से चलते हैं वापस से। थोड़ी देर फॉक्स देखने वाले थे हम लोगों ने, हमें फॉक्स दिखा दिया था, वो भाग गया यार, बट हाँ ठीक है वो फॉक्स नहीं देख पाए, कोई नहीं अब देखते हैं यहाँ पे कोई गाइड वाइड करते हैं और उसके बाद कुछ देखते हैं, अगर यहाँ पे पता करते हैं पहले कि क्या सीन है, और चलते हैं अपना अंदर ही। चलो गाइस रात के अब कितने बज रहे होंगे गाइस, कितने 12:25 हो रखे हैं और हम लोग निकल गए हैं यहाँ पे स्टार गेजिंग के लिए अब, क्योंकि अब आगे की तरफ हमारी तरफ जो था वो मौसम खराब था, आगे की तरफ बादल क्लियर थे, तो अब चलते हैं आगे और वहाँ से देखते हैं और क्या एक्सप्लोर हो पाता है आगे। गाइस हम इस पॉइंट पे ना पहुँच चुके हैं सारे लोग, और वो इस तरफ से दिख रहा है, अब आपको कैमरे में आएगा इसमें क्लैरिफाई नहीं करा पाऊंगा, ये तो एक ही स्टार थोड़ा सा भी अगर आप देख लो। बस हम अपना स्टैंड वैंड लगा रहे हैं, फिर अपना यहाँ पे शूट करते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को ब्लॉग के अंदर। गाइस अभी सामने देखो ये है, यहाँ पे लगी हुई है ये एक टेलीस्कोप, तो ये टेलीस्कोप से नीचे वाले टेलीस्कोप है जो मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा रहा था, फ्लैश नहीं ऑन कर सकता बिकॉज वो कुछ लोग कवर कर रहे हैं, तो टेलीस्कोप का बिल्कुल अगर आपको दिख रहा हो तो वो बिल्कुल ऊपर की तरफ कर रखा है, तो कुछ चीज़ चल रही है उधर यार, हमें वहाँ की तरफ तो कुछ नहीं दिखा बट कुछ तो चल रहा है उधर। तो गाइस अब हम लोग रूम में आ गए थे वहाँ से, तो वो लोग टेलीस्कोप से कुछ तो देख रहे थे, उन लोगों ने कहा कि वहाँ पे कुछ चल रहा है, कि उनका काम चल रहा है, बट हम लोग चले गए ठीक है भाई गवर्नमेंट जोन था। अब हम लोग अपने होटल रूम मतलब होम स्टे के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे लाइट जा चुकी है, तो मतलब सोच लो मेरी फ्लैश भी मेरा कितनी तेज़ आँखों में लग रही है, बट अब हम सो रहे हैं और टाइम हो गया होगा 12 बजे, क्योंकि यहाँ पे रोज 11 या 11:30 के बीच में लाइट चली जाती है, तो हम मिलते हैं सुबह क्योंकि कल हम लोगों को नहीं निकलना है पैंगोंग लेक, तो गुड नाइट। गुड नाइट भाई जी, गुड नाइट। Yeah.